चौगिन के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे 18 मई 2020 यानी आज के दिन से ऑफिशियल लॉन्च कर दी गई है। दोस्तों आज के दिन से सभी ई पैलेस इस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पे आसानी से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करके यूज करना है। तो प्लीज सर वीडियो कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिए, या वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो फिर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 18 मई से कंपनी ने लॉन्च कर दिया, बट 25 मई से पूरी तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है oxygengroup.com। जैसे आप लिख के सर्च करते हैं आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑफिशियल लोगों के साथ ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। तो सिंपली से आपको इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिख रहा है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के साथ साथ आपको यहाँ पे 5 स्टार की रेटिंग इस एप्लीकेशन को आपको दे देनी है ताकि गूगल प्ले स्टोर में ये जो एप्लीकेशन है फर्स्ट पे आ सके। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऑक्सीजन का नया लोगो देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपके सामने इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में ऑक्सीजन के डिजिटल ओवर को कंप्लीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यूट्यूब भी दिया गया है। जैसा आप इस आइकॉन पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस कंपनी का जो इंटू वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और ओपिनियन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा लेट स्लो है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप ऑक्सीजन के डिजिटल वर्क को भी कम्प्लीट कर पाएंगे काफी आसानी तरीके से। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में छोटा सा रिव्यू जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों अभी अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल वर्क को कंप्लीट करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है अभी नई एप्लीकेशन है और जैसे जैसे इसमें अपडेट मिलता रहेगा इस एप्लीकेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों यही था इस एप्लीकेशन का छोटा सा रिव्यू इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आपको कैसा लगा ये रिव्यू मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।